हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपको लेकर। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, अगले कुछ घंटों में आपके लिए कैसा महसूस करेंगे, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ पर्सन रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी आपको लेकर। Ignore all the background noise if there is any. Let's see. First card is of Four of Swords and second card is of the Passion and Four of Cups also. अपने आप ही pop out हुआ है ये Four of Cups and we have Six of Cups. Let's take one more card. Interesting, the Justice. Okay. तो अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन कैसा फील करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे नंबर फोर जो है वो काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। या तो आपकी लाइफ में नंबर फोर, या नंबर फोर, या फिर फोर्थ मंथ जो कि अप्रैल है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है, या चार दिन पहले, चार तारीख को। ओके, तो देर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू फोर। ओके, चलिए देखिए, यहाँ कप्स काफ़ी हैं। ओके, पैशन भी काफ़ी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगले कुछ घंटों में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर सोचेंगे। ओके, काफ़ी इमोशनल या काफ़ी भावुक हम कह सकते हैं, काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। यस, सेंसिटिव आई सी, क्योंकि यहाँ पर कप्स बहुत सारे हैं और स्वॉज भी हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन किसी बात को लेकर चिंता करेंगे और इमोशनल हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे किसी बात को लेकर। समवेयर ये बात आपसे ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर प्यार का मामला दिख रहा है। ओके, देयर इज़ अ थिंग अबाउट लव। ओके, तो कुछ प्यार से ही रिलेटेड इशू रहेगा, कोई प्यार से रिलेटेड कोई बात है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आएंगे। और ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा लगता है कि नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट करना, या यू नो फेक सिनेरियोज क्रिएट करना, फेक में भी नेगेटिव, जो गलत अभी तक हुआ नहीं है, जो जो गलत चीज़ें अभी तक हुई नहीं है उनके बारे में विचार आना, ख्याल आना, ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा हो सकता है अगले कुछ घंटों में। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी से अपने मन का दुख या दर्द या जो भी चिंता हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, वो किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट कीपिंग इट इन द हेड, अपने मन में ही रख के चलेंगे अगले कुछ घंटों में और बस ओवर थिंकिंग करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, और इतना स्ट्रेस लेंगे कि सैडनेस हो जाएगी, या एक मायूसी, एक हैवी एनर्जी उनकी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा विचार जो है वो उन्हें चारों ओर से घेर लेंगे। सो दे विल थिंक अलॉट एंड दे विल स्टक इन दैट, यानी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा नेगेटिविटी का कि सब कुछ खराब ही हो रहा है, सब कुछ खराब ही होगा, और उस नेगेटिविटी के इल्यूजन में ये इंसान स्टक हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आगे भी मुझे एक सैडनेस नज़र आ रही है। ये ओवर थिंकिंग इसी बारे में कर रहे हैं व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आप इन्हें भूल गए हैं, या फिर आप इनकी तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट अब नहीं कर रहे, यानी इस इंसान से अब आपको कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा भी वो सोच रहे हैं कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, इसी वजह से आपका बिहेवियर ऐसा हो गया है, या फिर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के, या जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से उनको लग रहा है कि अब आप उनको भूल गए, या अब आपने मूव ऑन कर लिया है एंड नाउ यू आर नॉट लुकिंग इंटरेस्टेड। क्योंकि यहाँ पर ऐसा वो सोच रहे हैं, चाहे वो फेक सिनेरियो क्यों ना क्रिएट कर रहे हैं। ओके,
चाहे उनके नेगेटिव नेगेटिव ख्याल क्यों ना हो, सिर्फ एक नेगेटिव इमेजिनेशन क्यों ना हो, पर वो इमेजिनेशन भी ऐसी ही है, या वो अजम्पशन जो है, उन्होंने जो अनुमान लगाया है, उन्होंने जो अनुमान लगाया है सिचुएशन को लेकर, वो कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप उनकी प्रेजेंस को ही निग्लेक्ट कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपका कोई अटेंशन ही उस तरफ नहीं है, एंड यू आर नॉट लुकिंग एट देयर एफर्ट्स एंड यू आर नॉट लुकिंग एट देयर हिंट्स। तो हो सकता है कि ये कुछ साइंस आपको दे रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ स्टेटस वगैरह डाल के, या आपको ब्लॉक अनब्लॉक करके बार बार, या कुछ मैसेज सेंड करके अनसेंड कर देना, कुछ ऐसे कैप्शंस लिखना, कुछ ऐसे स्टेटस लिखना जिससे आपका अटेंशन मिले, या कहीं ना कहीं कुछ आपको जेलस करने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना। सो दे आर डूइंग समथिंग, ओके। हो सकता है वो किसी और से क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और से ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़े जेलस हो जाएं और आप थोड़ा सा उनको अटेंशन दें, जिससे कि वो समझ पाएं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं या आप कितना उनको याद कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस बात से बहुत अब सैड हो चुके हैं, सैड हो गए हैं, और अगले कुछ घंटों में भी इस बात को लेकर ऐसा लगता है सर पकड़ के बैठ गए हैं कि आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आप उनके एफर्ट्स को या उनके जेस्चर्स को या उनके साइंस और हिंट्स को नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर नोटिस करके भी अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। एक सेंस ऑफ रिजेक्शन उनको फील हो रहा है व्यूअर्स, चाहे आपने सामने से उनको रिजेक्ट ना किया हो, लेकिन क्योंकि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या क्योंकि आप चीज़ों को अननोटिस्ड रख रहे हैं, या कुछ भी रिस्पांस नहीं देते या अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका अटेंशन बिल्कुल नहीं है, तो उस वजह से उनको लग रहा है कि दिस इज़ रिजेक्शन, ओके। इस वजह से उनको फील हो रहा है, दैट्स द थिंग, कि उनको लग रहा है कि यही तो रिजेक्शन है, और उनको काइंड ऑफ रिजेक्टेड फील हो रहा है। चाहे मुंह पे आपने मना ना किया हो, चाहे मुंह पे आपने रिजेक्शन ना किया हो, फेस टू फेस रिजेक्ट ना किया हो, बोल के रिजेक्ट ना किया हो, बट दे आर फीलिंग दिस वे, उनको लग तो ऐसा ही रहा है जैसे आप उनको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो और क्लियर कट रिजेक्शन उनको दे रहे हो। पर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स का भी कार्ड है। दे आर सैड एंड दे आर मिसिंग यू बैडली। तो अगले कुछ घंटों में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं, और आपको एक टोकन ऑफ लव देकर आपको याद दिलाना चाहते हैं, दे स्टिल लव यू। आपको इस रिश्ते की याद दिलाना, आपको इस प्यार की, इस कनेक्शन की याद दिलाना चाहते हैं, इफ़ इन केस यू फॉरगेट दिस। अगर आप सच में इनको भूल गए हो, इस प्यार को भूल गए हो, इस कनेक्शन को भूल गए हो, इस केमिस्ट्री को भूल चुके हो, या कहीं ना कहीं क्या था आप लोगों के बीच में, कैसा एक्सचेंज था या कैसा बॉन्ड था, अगर वो सब चीज़ आप भूल चुके हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ गिफ्ट देकर या कुछ ऐसा जेस्चर करके आपको याद दिलाना चाहते हैं, और अगले कुछ घंटों में भी इसी बारे में सोच रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्या करें कि जिससे वो आपकी लाइफ में वापस लौट कर आ सकें, या उनको एक और चांस मिल जाए, या कहीं ना कहीं ज़िंदगी उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी दे जिसको ग्रैब करें वो, और वापस आपकी लाइफ में आपके पास आ जाएं या आपको अपना बना लें। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन ब्रेकअप कुछ तो हुआ है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी तरह का डिस्टेंस तो है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है व्यूअर्स की कि ये मिस इस तरह से कर रहे हैं कि इनको आपकी याद आ रही है, और ये इस तरह की याद आ रही है जब कांटेक्ट नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता, एक सेपरेशन फील करता है इंसान, तब जो याद आती है उस तरह की याद इन्हें आपकी आ रही है, ऐसा लग रहा है। यस यस, दे आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक। हो सकता है इनके आसपास आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने और ज़्यादा इन्हें आपकी याद दिला दी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी बात, कुछ तो ऐसा उन्होंने देख लिया है, कुछ तो ऐसा उन्होंने सुन लिया है, जिस वजह से इनको आपकी याद और ज़्यादा आने लगी, यानी कि इनके इमोशंस ज़्यादा ट्रिगर हो गए। यस, हो सकता है आप लोगों में कुछ गैप है, एज गैप है, ऐसा हो सकता है, बट दे आर मिसिंग एंड दे आर वेरी वेरी सैड अबाउट इट। देखिए यहाँ पर, देखिए इस पिक्चर को, लुक एट दिस पिक्चर, कैसे यहाँ पर कोई चुपचाप से लेटा है, आंखें बंद करके कोई लेटा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये सो नहीं रहे हैं, देर आर सॉर्ड्स, ये स्ट्रेस ले रहे हैं, ओके। नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पर चल रही है, ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही है, एंड दे आर सैड, दे आर स्ट्रेस्ड आउट।
ओके परेशान है ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आप जिस वजह से हर्ट है या आप जिस वजह से नाराज़ हैं वो तो कोई रीज़न होगा ही, लेकिन जिस तरह से ये यहाँ पर पर्सन जो दिख रहा है ये ऑफर कर रहा है कप्स एंड कप्स, लेकिन फिर भी ही और शी इज़ लुकिंग सैड। ये जो भी इंसान है यहाँ पे इतना कुछ ऑफर करने के बाद सैड लग रहा है, या इतना कुछ एफर्ट्स या जेस्चर्स करने के बाद सैड लग रहा है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिजेक्शन है। ओके कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि ये ऐसा ही फील करेंगे। एंड दिस ब्यूटिफुल सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पर साफ साफ मालूम होता है व्यूअर्स कि ये इंसान वापस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स जो है वो एक रियूनियन को भी दर्शा रहा है। ओके वापस से एक होने को, टू गेट बैक टुगेदर, ऐसे इस एनर्जी को दर्शा रहा है कि कोई पास्ट से लौट कर आपके पास आना चाहता है और आपके साथ रिश्ता, वही दोस्ती, वही रिश्ता, वही कनेक्शन मेंटेन करना चाहता है। सो दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, और ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता है कि ये कोई सोलमेट कनेक्शन है या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यह भी दर्शाता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हैं। यस यू आर फ्रॉम द सेम सोल फैमिली, तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक पुल और एक कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट ज़रूर आपकी तरफ फील करेंगे, चाहे सेपरेशन कितने भी समय का हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कितने भी टाइम से क्यों ना हो, वो एक तरह का सेपरेशन फील करेंगे ही, क्योंकि या एक तरह से आपको मिस करेंगे ही, और उनके लिए आपको भूलना मुश्किल रहेगा और आपके लिए भी उनको भूलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो हो सकता है कि एक सोलमेट कनेक्शन है। देर आर चांसेस कि पास्ट लाइफ कनेक्शन ये है। यस सो दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ना ये कुछ म्यूज़िक सुन रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जितना ज़्यादा ये म्यूज़िक सुनते हैं उतना ज़्यादा काम रहते हैं, उतना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। तो गाने सुन रहे हो सकते हैं, आपका फेवरेट सॉन्ग, उनका फेवरेट सॉन्ग, या कोई ऐसे गाने सुन रहे हैं जो उनकी सिचुएशन से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दुख को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी सिचुएशन से रिलेट करते हैं। तो कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं अगले कुछ घंटे में, क्योंकि दुखी तो हैं ही और दुख में लोगों के लिए गाने सुनना आम बात है, लोग ऐसा करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गाने सुन रहे हैं। हो सकता है कि इनको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, या आपको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, या फिर आप एक अच्छे सिंगर हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छा गाते हैं, या आपके पर्सन अच्छा गाते हैं, तो हो सकता है खुद गुनगुना रहे हैं अकेले में। ओके यस खुद गुनगुना रहे हो सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है साफ साफ। और यहाँ पर एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, जेनेलिया, जो जेनेलिया डिसूजा नाम है उनका, मुझे उनका सही से नाम अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो एक्ट्रेस है उस मूवी में, और उसमें लिरिक्स हैं, सोच ज़रा जाने जान तुझको हम कितना चाहते हैं, रोते हैं हम भी अगर तेरी आँखों में आंसू आते हैं, गाना तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं, कि आदिति कभी ना कभी, क्या मुझे पूरे लिरिक्स नहीं पता, लेकिन आप इस सॉन्ग को ढूंढ लेना। तो यही सॉन्ग है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दे आर एक्सपेक्टिंग अ जस्टिस, उनको लग रहा है कि अगर वो सच्चा प्यार करते हैं और उनके इंटेंशंस प्योर हैं तो उनको आप मिलने ही चाहिए, उन्हें उनका प्यार वापस मिलना ही चाहिए, यही उनके लिए फेयर है और यही उनको फेयर नज़र आ रहा है। सो दे आर वेटिंग फॉर द जस्टिस और दे आर आस्किंग फॉर द जस्टिस एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ जस्टिस इन दिस सिचुएशन। कहीं ना कहीं उनको इस बात की उम्मीद है कि न्याय उनके फेवर में ही होना चाहिए, उन्हें उनका प्यार मिलना ही चाहिए अगर उनके इंटेंशंस प्योर हैं एंड ऑल दैट। तो ये सब खिचड़ी उनके दिमाग में पक रही है अगले कुछ घंटों में, ऐसा लगता है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके ये फ़ोन की आवाज़ आ रही हो सकती है, नोटिफिकेशंस की, लीव इट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अनफेयर हुआ है इनके साथ, देयर इज़ समथिंग अनफेयर, और वो अनफेयर यही है कि ये डिज़र्व करते हैं कि इनका प्यार इनको मिले, ऐसा इनको लग रहा है। तो ये जस्टिस चाहते हैं कि इस सिचुएशन में जस्टिस सर्व होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सही हैं तो वो उनके फेवर में ही सर्व होगा। यस आई थिंक इन्होंने इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं किया है, अगर किया है तो कभी भी जानबूझ के नहीं किया है,
सिचुएशंस ऐसी रही हो सकती हैं, थोड़ी सी अगेंस्ट रही हो सकती हैं, अनफेवरेबल सिचुएशंस रही हो सकती हैं, या ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को समय रहते एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस समय रहते नहीं ले पाए, तो जो निर्णय उनको ले लेने चाहिए थे सही समय पर, ऐसे निर्णय वो नहीं ले पाए, या कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या कुछ रिलायबल ऑफर आपको नहीं दिया, या कुछ ऐसा हो सकता है कन्फ्यूजन में रखा, क्लैरिटी नहीं दी, उस वजह से डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ये इंसान इमोशनली आपके लिए फील करता है, ऐसा लगता तो नहीं है कि ये इंसान कभी भी जानबूझ के आपको हर्ट करना चाहेगा, बिकॉज इनको तो आपकी बहुत याद आती है, ये तो आपको अपनी लाइफ में बहुत पैशनेटली वापस लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ओके, एक यूनिक अट्रैक्शन है आपके लिए, और वो ख़त्म नहीं होता है क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन। या तो ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए, आपका और उनका कोई भी जोडियक साइन हो सकता है। यस, आइए चलिए देखते हैं आपके और उनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। आपके और उनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं? दिस इज बी। बी हो सकता है आपके या उनके नाम में। पी हो सकता है, पी फॉर पैरट, ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। एन एंड फॉर नेस्ट, एंड एफ, एफ फॉर फॉरेस्ट, ओके, एंड वी हैव दिस ई, ई फॉर एलिफेंट, ओके, एंड दिस जेड फॉर द ज़ेब्रा, ओके, एक्स फॉर द एक्स, ओके, एंड आर, सो यस, एंड यस वी हैव द आई ऑल्सो, सो R I Z E F N P B X, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।